हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन नूडल्स, बहुत टेस्टी बनते हैं। आइए इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हम छोटी सी कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच छोटा रिफाइंड ऑयल। ये हम चिकन नूडल्स बनाएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन हमने छील के इसको छोटा छोटा काट लिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बटर, तेल और ये बटर एक साथ डालेंगे। अब मेरे पास थोड़ा चिकन रखा था, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। ये तेल और बटर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर। हिलाते रहेंगे इसको, आँच हमारी तेज़ है। अब डालेंगे इसमें काली मिर्ची पाउडर, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन ये इतना टेस्टी बनेगा कि मैं बता नहीं सकती आपको। काली मिर्ची डाली है इसमें हमने पीस के। अब डालेंगे इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डालिएगा। आँच को फुल रखना है, इसको हिलाते रहना है। देखिए पीस, चिकन पीस टाइट हो गए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मक्खन की। अब क्या करेंगे, इसको 5 से 10 मिनट के लिए आँच मीडियम करके रखेंगे, जिससे कि चिकन गल जाए थोड़ा सा। अब मेरे पास हॉट चिली सॉस था, इसको डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप अपने अंदाज से 2 चम्मच डाल दीजिए। थोड़ा सा चिली सॉस है, ये भी बहुत अच्छा, जितने आपके पास सॉस हो वो डाल दीजिए। मेरे पास 2 थे, एक हॉट चिली सॉस था और एक टोमेटो सॉस, दोनों मैंने डाल दी 2 चम्मच भर के बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है और इसी को हमने सुखा देना है 5 से 10 मिनट, इसको मीडियम आंच पर रखेंगे। इधर दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इसमें भी हमने लहसुन काट के डाला है, बहुत सारा लहसुन डाला है, 8 से 10 हरी मिर्ची पतली पतली काट के। आपके घर में कोई मेहमान आए जब ये डिश बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी सबको। लहसुन जैसे ही हमारा लाल होगा, हरी मिर्ची भी थोड़ी सी कड़क हो जाए, इसमें डालेंगे प्याज, एक प्याज ली थी। जितनी आपके पास सब्जी वेजिटेबल रखी है थोड़ी थोड़ी काट के सब डाल दीजिएगा। ये मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी आपके पास सब्जियाँ हो, मैंने सबको मिक्स करके काट लिया था। अब इसको हल्के आँच से, आँच हमने तेज़ रखी है सॉरी, और इसको हमने फुल आँच पर रखना है और इसको फ्राई करना है अच्छे से, जो इसका पानी है वो सब सूख जाए। इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर, ये फ्रेश काली मिर्ची पाउडर है, जब भी आप नूडल्स बनाएं तो फ्रेश काली मिर्च पाउडर डालिए। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, देखिए नमक थोड़ा रखना है क्योंकि चिकन में भी नमक था और सॉस में भी रहता ही है नमक। अब डालेंगे इसमें चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा सिरका, ये डालेंगे अजीनोमोटो, थोड़ा डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए इसका जो पानी है इसको सुखा लेना है। आँच थोड़ी हमने तेज़ कर दी है, हिलाते रहेंगे, नहीं तो जितनी सब्जियां हमारी जल जाएंगी। आपके पास जितनी सब्जियां हो आप डाल दीजिएगा। अब डाल देंगे नूडल्स, ये नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे थे, अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। अब जितने मसाले हमने नीचे डाले थे सब्जियों में, वही ऊपर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा देखिए नमक, काली मिर्ची पाउडर, नमक डाला, काली मिर्ची पाउडर डाली, ये पीली मिर्ची है 1 चम्मच पीली मिर्ची, इसमें लाल मिर्ची नहीं डालते हैं, थोड़ा सा सिरका 1 चम्मच, 1 चम्मच सोया सॉस, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी को अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है, ये थोड़ा थोड़ा जितना हमने सब्जियों में डाला था उतना ही ऊपर डालेंगे। अब इन सभी को नूडल्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरीके से। आपके घर में कभी पार्टी हो, बच्चों की पार्टी हो, तब ये डिश बनाइएगा, सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। सारे नूडल्स को अच्छे से पकड़ के ऊपर नीचे कर देंगे, देखिए सारा मिक्स हो गया है नूडल्स, बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। आँच हमने थोड़ी सी कम कर दी थी, नूडल्स हमारे पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। देखिए इस तरीके से हमारी नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं, आइए इसको सर्व करते हैं। इधर हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, अब इसको सर्व करेंगे, देखिए इस तरीके से। एक बड़े बाउल में निकालेंगे सारी चाउमीन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सारे नूडल्स हमने निकाल लिए, ऊपर से डालेंगे इसमें चिकन के, जो हमने ही कितने अच्छे चिकन के पीस तैयार हो गए। ये बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे नूडल्स, किसी पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, मुझे लिख के ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।